हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। और आई थिंक आज में हम ये पार्ट 3 भी कंप्लीट कर ही दें। ठीक है, एक पार्ट में, दो पार्ट में आई थिंक आज कर ही देंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता तो मैं दूसरी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, आज हम ख़त्म कर ही देंगे। कल हमने हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेट सब्सटेंसेस के बारे में ब्रीफ पढ़ा था, पहला पैराग्राफ पर, जिसमें हमने ये देखा था कि हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर लिक्विड होता है, जिसके अंदर मॉइस्चर होता है, और एनहाइड्रेट्स वो होते हैं जिसके अंदर वाटर नहीं होता, जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। यानी हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेट्स क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब जरा क्या है, कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिटेल में क्या कह रहा है। हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस, द क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो कह रहा है क्रिस्टल ऑफ सम सॉल्ट्स कंटेन, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर, कुछ सॉल्ट क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन वाली जो हम प्रोसेस करते हैं ना, तो उससे जो निकल के बसता हुआ है, निकल के बसता है वो वाला पानी वो लोग कंटेन करते हैं। और फिर वाटर क्या करते हैं, दिस वाटर गिव्स द क्रिस्टल्स, और ये वाटर ने क्या देता है, क्रिस्टल देता है, गिव्स द क्रिस्टल देते हैं, और ये वाटर सॉरी क्रिस्टल क्या करता है, उनके शेप देता है। अच्छा, ये चीज़ पता चल, क्रिस्टलाइजेशन वाला जो पानी होता है वो पानी इन क्रिस्टल को शेप देता है। ठीक है, इन सम केसेस इट ऑल्सो गिव्स देम कलर, कभी 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 कलर देता है, कभी कभी कलर देता है। सर कोई एग्जाम्पल तो उसमें लिखा हुआ है, कॉपर से उनको ये ब्रिस्टल्स होते हैं, उनको ये ब्लू कलर देता है। वो क्या देता है, ये ब्लू कलर देता है। सच सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट, सर किस सॉल्ट की बात कर रहा है, ये इस सॉल्ट की, ये उस सॉल्ट की बात कर रहा है जो अपने अंदर ऐसा वाटर रखते हैं, जो अपने अंदर ऐसा वाटर रखते हैं। ऐसे सॉल्ट को क्या बोलता है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट को ये क्या बोलता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्लियर कर रहा है। अरे ऐसा उल्टा सीधा क्यों है, पहले उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझना चाहिए था, बाद में हाइड्रेटेड, कोई ना, अब जैसे बुक लिख गई अब लिख गई, कोई दिक्कत नहीं। हम एक और पढ़ने का दोबारा से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए, है ना। सम सॉलिड्स वाइल क्रिस्टलाइजिंग आउट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। वो कह रहा है कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे बाहर आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन से, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन से क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं विद अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, विद अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब वो अपने साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर भी लेके आते हैं, वो खुद ये नहीं कि अपने पानी से बिल्कुल छोड़ा है, नहीं, थोड़ा सा पानी उनके पास रहता ही रहता है, थोड़ा सा पानी उनके पास रहता ही रहता है। ठीक है, इस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इसी वाटर को हम क्या बोलते हैं, जो कि सॉलिड के साथ होता है, जो सॉल्यूशन जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद बनता है, बेसिकली रहता सॉलिड के साथ ही रहता क्रिस्टल के साथ ही है, तो इस वाटर को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज थी, टेक्निकल लैंग्वेज बताओ क्यों आपको याद करनी है, हाँ कर लो, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज दी हुई है। फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। चलिए तो समझ में नहीं, अभी तो पढ़ ली, अच्छी है डेफिनेशन है, ऊपर वाली आपको समझ में आ गई। यहाँ पे भी क्या लिखा है, वो कह रहा है फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, एक वो अमाउंट ऑफ वाटर जो जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड जो जुड़ा हुआ है किसी से, सब किससे जुड़ा हुआ है, विद सम कंपाउंड यानी किसी कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, यानी किसी सॉलिड से जुड़ा हुआ है, किसी सॉलिड से जुड़ा हुआ है, विच इन इंटीग्रल पार्ट, सर जो उसके अंदर ही है, जिसको अलग ना किया जा सके, जो अंदर ही कंबाइंड है उसको अलग किया ही नहीं जा सकता, उसको ऑलरेडी क्या है, कंबाइंड है, वो ऑलरेडी क्या है, कंबाइंड है, आप उसको अलग कर ही नहीं सकते, है ना। विद ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी आप उसको अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे पानी को बोला था, ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पर नॉर्मल लैंग्वेज से नीचे है, उन्होंने थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज दे दी, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इन लूज केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये लूज केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एंड कैन बी ड्रिवन ऑफ एज अ स्टीम, और उसको एज अ स्टीम भी आप यूज कर सकते हो बाय हीटिंग द क्रिस्टल्स ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। किसी भी क्रिस्टल को अगर आप 100 डिग्री से ऊपर गर्म करोगे तो ये वाटर को आप स्टीम बना सकते हो, स्टीम मतलब वेपर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी उस केस में ये अलग हो जाएगा। ठीक है, द वेपर प्रोड्यूस्ड आर कंडेंस्ड, फिर इन वेपर को क्या किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, एंड द लिक्विड फॉर्म इज टेस्टेड, और एक लिक्विड बनाएगा, और लिक्विड बनाएगा उसको टेस्ट किया जाएगा,
टेस्ट, अब यहाँ पर टेस्ट टेस्ट है, एक बात हो रहा है टेस्ट टेस्ट और टेस्ट, तो यहाँ पर टेस्ट लिखा, टेस्ट लिखा हुआ है, इसको टेस्ट किया जाएगा, इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर दिखाएगा दिस लिक्विड गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर वाटर, अगर इससे हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है जो साइंटिस्ट चाहते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, द क्रिस्टल्स लूज इन वाटर, सर अब ये वाटर क्रिस्टल से अलग हो गया, अलग हो गया, तो अब ये पानी क्या बन जाएगा हमारा, अभी एनहाइड्रस बन जाएगा वो, यानी अगर पानी के साथ है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाइड्रेटेड वाटर, वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोलो, अगर इस क्रिस्टल से अलग हो गया तो ये एनहाइड्रस बन जाएगा, ऑब्वियसली फिर ये एनहाइड्रस बन जाएगा, दैट इज ऑल द वाटर कम्बाइंड द क्रिस्टल मटेरियल इज रिमूव, रिमूव हो सकता है सारा पानी, रिमूव हो सकता है, एक्सपेरिमेंट क्या दे रहे हैं ये, टू शो दैट हाइड्रेटेड कॉपर, टू शो दैट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताओ, वो खुद ही बता देगा, एक एक्सपेरिमेंट करके बताओ जिसमें आप ये शो कर सको, जिसमें आप ये शो कर सको क्या, कि एक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट नाम का क्रिस्टल होता है, एक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट नाम का क्रिस्टल होता है, वो वाटर कंटेन करता है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है, ये आप प्रूफ करके दिखाओ, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस सब्सटेंस को ब्लू कलर देता है, ठीक है। अभी 2 मिनट को पढ़ते हैं, ये पूजा हो जाने दो। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, लिखा हुआ है टेक सम पाउडर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, सर कॉपर सल्फेट लो लेकिन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लेकिन उसको पाउडर कर लो, ठीक है, पाउडर फॉर्म में उसको लो, एंड अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक साफ हुई सूखी हुई टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दो, ठीक है, एंड क्लैंप इट इन अ टिल्टेड पोजिशन, और उसको टेढ़ी पोजिशन में थोड़ा सा हिलाकर रख दो, कहाँ पर चिपका दो, कहाँ पर चिपका दो इसको, सो देयर द कंडेंस्ड वाटर डज नॉट रिकर, ताकि जो कंडेंस वाटर है ना वो हिले ना और पीछे ना जाए, जेंटली हीट द क्रिस्टल्स, और उस क्रिस्टल को धीरे 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 क्या करो, हीट करो। अब ऐसा करने पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, फिर रियल में तो हम ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाओगे, एज्यूम करके देखो, एज्यूम भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इसको पढ़ो जरा, फिर देखो रिलेट करके क्या ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो कह ड्रॉप्स ऑफ कलरलेस लिक्विड कंडेंसेस ऑन कूलर पार्ट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो कह रहा है उस टेस्ट ट्यूब में जो ठंडी जगह होगी वहां पर ना पानी कंडेंस होने लगेगा और वेपर सा बनता जाएगा, ठीक है, लिविंग बिहाइंड अ रेजिड्यू दैट इज एनी हेडर्स, अब पीछे एक रेजिड्यू छोड़ के चलेगा, रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, बचा कुचा, एक बचा कुचा मटेरियल छोड़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं एनी हाइड्रस, जो कि पानी से बिल्कुल अलग हो चुका है, जो कि पानी से क्या हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है, एंड एमोरफस, एमोरफस मतलब क्या, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसकी कोई शेप नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, विद नो डेफिनेट शेप, जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ना कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है, व्हेन ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब दे टर्न इन टू व्हाइट पाउडर, वो व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाते हैं, विच टर्न्स बैक टू ब्लू सॉलिड, वापस ब्लू सॉलिड में बन जाते हैं, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर एडेड, और जब उसमें दोबारा से थोड़ी सी वाटर मिलाते हो, थोड़ी सी पानी मिलाते हो, तो वो दोबारा से वापस चली जाती है, पता नहीं उन्होंने क्या प्रूफ करवाना चाहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक केस में मेरे को पता है क्यों केमिस्ट्री में एक चीज़ अच्छी भी लगती है, कुछ को डिफिकल्ट भी लगती है, वो कह रहा है आप इसको हीट करो, आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, तो अभी ये रहेगा बस हाइड्रेटेड से क्या बन जाएगा, एनी हाइड्रस बन जाएगा और इसका कलर वाइट हो जाएगा, फिर इसको आप ठंडा करोगे तो फिर ये एनी हाइड्रस से हाइड्रेटेड हो जाएगा, इसका कलर वाइट से ब्लू हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन सही रहेगा, ठीक है। सम सॉल्ट कुछ बता रहा है, सम सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर क्रिस्टलाइजेशन, कुछ सब्सटेंस में भी उन्होंने, सब्सटेंस में भी उन्होंने सॉल्ट के नाम बताए हैं, ऐसे सॉल्ट जो क्या करते हैं वाटर कंटेन करते हैं, जो वाटर कंटेन करते हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, आई कलर भी देखो कि कलर कैसे हो जाते हैं, कलर कैसे होते हैं बेसिकली।
ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है बेसिकली, नाम तो है, कर तो है ही है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल का केमिकल नेम बताओ, तब के नाम याद होने चाहिए। पूछ सकते हैं अगर पेपर हार्ड बनाना हो, अगर मेन की जगह पर होता तो मैं ये बनाता, तो मैं ऑब्वियसली ये देता कि कॉमन नेम है इसका, इसी को कॉमन नेम बोलते हैं, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। तो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डाइ, ठीक है ठीक है। और अब इसका केमिकल नेम और बता दो, तो केमिकल वो फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूला ही पूछ सकती है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग को याद करनी चाहिए, टेबल आपको याद करनी चाहिए, है ना, टाइम लगेगा पर याद करनी चाहिए आपको, नोट करो। ये नोट किस चीज़ का है, ये इसी चीज़ का दे रहा है थे, ये जो प्रोसेस चल रही थी ना, हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इसी के ऊपर नोट दे रहा है। नोट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू हिट देम टू स्ट्रॉन्गली इन ऑर्डर टू डैम देम। वो कह रहे जब आप उसको, जब क्रिस्टल बनाते हो आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को, फिर तो क्रिस्टल आप हाइड्रेटेड सॉल्ट में से क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करते हो, तो केयरफुल रहो कि आप उसको ज़्यादा गर्म ना कर दो, क्योंकि हम ज़्यादा गर्म फिर बिल्कुल वेपर बन जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। अदरवाइज द प्रोडक्ट इज डिहाइड्रेटेड पाउडर नॉट क्रिस्टल, फिर वो सर पाउडर बन जाएगा, क्रिस्टल नहीं बनेगा, ज़्यादा आपने गर्म कर जाता हो। ठीक है, अब कैसे ना कैसे नहीं बेटा, अगर आपको रील में समझ रहे हैं तो आप ट्राई करना यूट्यूब पर कोई इसकी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो तो देखना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये प्रोसेस तो कर कर ही समझ में आ सकती है, करके ही। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो तो करनी पड़ती है तो समझ में आती है, और इसीलिए स्कूलों के लिए सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, कि स्कूलों में टीचर आपको करके दिखा सकें, या किसी अकेडमी वगैरह में जाकर दिखा सके, आपको करके दिखा सके प्रैक्टिकली। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कैसे निकालोगे, कोई तरीका है, कोई फॉर्मूला वगैरह भी है कि हाँ, तो मैथमेटिकल तरीके से निकाला है ना उन्होंने। वो क्या कह रहे, टेक अ नोन वेट ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। आप हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, उसके क्रिस्टल का वेट लो, जो पता हो, जो आपको पता है ना, इना चाइनाडिस, उसको चाइनाडिस में मतलब वे करो, उसको वे करो, ठीक है, उसका वेट करो, उसको रखो उसके ऊपर हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, और उस चाइना डिस्क के ऊपर इसको क्या करो, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको हीट कर दिया। वैन द वेट ऑफ द रेजिड्यू बिकम्स कॉन्स्टेंट, और जब उसका वेट, जब वो वेट ऑफ द रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब क्या, जो बचा कुछ है, जो बचा कुछ पार्ट्स में बचेगा, तो बचा कुछ मतलब क्या, वाटर तो वेपर में चेंज जाएगा, वाटर तो स्टीम में चेंज जाएगा, तो जो बचा हुआ है उसको बात कर रहा है, तो वो जैसे वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, जैसे वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टेंट मतलब क्या, अब वो उसका साइज हो जाए, उसका वेट और कम होना कम हो जाता है, उसके वेट में चेंजेस आना बंद हो जाता है, तब क्या करो, स्टॉप हीटिंग, हीटिंग को स्टॉप कर दो। वेदर ड्राइड सब्सटेंस, अब इसको सूखा, अब ये जो सूखा हुआ सब्सटेंस बचा हुआ है इसको, बस हो गया सर। सर ये तो बड़ा अजीब है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बताओ तो क्या करो, पहले समझ लो डब्ल्यू टी मतलब वेट है, ठीक है, तो पहले वेट लो क्रिस्टल का इन रूम टेम्परेचर, जो नून वेट लिखा होता है, पहले तो ये लो, आपने लिया 1 ग्राम वेट है, ठीक है, 1 ग्राम वेट है, फिर वो कह रहा है इसको ना 100 डिग्री से ऊपर गर्म करो, 100 डिग्री से गर्म करो, तो 100 डिग्री से गर्म किया, सब 1 डिग्री पर गर्म, 101 डिग्री पर गर्म किया, और 101 डिग्री पर गर्म करने का उसका टेम्परेचर कुछ कम होगा, कुछ कम होगा, नहीं होगा, होगा सर, उसको क्या मान लो, सपोज कल बी मान लो सर, नया जो चेंज, जो नया जो वेट आया वो बी आया, तो पहले क्या था ए, आप कितना है बी, चेंज कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए या ए माइनस बी चेंज कर सकते हो, तो आपने चेंज निकाला वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट कैसे निकालोगे सर, ये सूखा सब्सटेंस, ये था सब्सटेंस विद वाटर, सब्सटेंस विद वाटर, ये केवल क्या रह गया सब्सटेंस, केवल सब्सटेंस, ये क्या रह गया सब्सटेंस, क्यों सब्सटेंस है क्या, वाटर तो हर छोटे से उड़ चुका ना हीट होने का, तो वाटर तो स्टीम में चेंज हो गया, तो जब इस ए में से बी माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला निकल गया, वाटर का वेट कैसे निकालोगे, ए माइनस बी करके, ए माइनस बी करके वाटर का फॉर्मूला निकाल दो, तो आपके पास वेट आ गया, आपके पास वाटर आ गया, वाटर का वेट आ गया, वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल आया। अगर क्या उसे परसेंटेज में पूछे, परसेंटेज में कितना हुआ, तो परसेंटेज के लिए चेंज निकाला, चेंज हमने कैसे निकाला, चेंज का मतलब ये ए माइनस बी करके चेंज निकाला, और चेंज आउट ऑफ वॉट, आउट ऑफ वॉट, तो आउट ऑफ नॉर्मल टाइम, नॉर्मल चीज, तो नॉर्मल आपका वेट कितना था ए, तो डिवाइडेड बाई ए 200, तो इससे परसेंटेज में चेंज उन्होंने कर दिया, कोई नई चीज या कोई पुरानी चीज इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आई मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ, बाकी वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ, ठीक है, आज मैं 7 चैप्टर को कंप्लीट कर ही दूँ।
हो जाएगा।